एकदम से लोगों को ना टाइम लगेगा थोड़ा सा, और आज भी ट्रैफिक वाले खड़े हैं। अच्छा वो हम भगा नहीं रहा था। से निकल चुके हैं और आज मैं घर पे ताला लगा के आया हूँ, क्योंकि मम्मी पापा उज्जवल तीनों कहीं गए हैं तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं ताला लगा के चाबी लेके आया हूँ। फिलहाल जा रहे हैं जिम, मौसम है काफ़ी प्यारा, टाइम हो रहा है 10:20 और हम निकल गए हैं जिम के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली अब तो आप अच्छे ही होंगे दिल्ली वाले, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा बरसात हो गई थी कि लोग तंग हो गए थे, लेकिन अब नहीं हो रही है बारिश। बट आज का मौसम है कि बारिश हो सकती है, अब देखते हैं कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी, बट कुछ कह नहीं सकते बारिश का। मैं जैकी को वॉक करा के निकला हूँ घर से, जैकी की वॉक हो चुकी है। सबसे ज़रूरी बात, आज है ट्यूसडे मंगलवार और आज है मेरा फास्ट, व्रत है मेरा आज। तो मैं जिम करके जिम में ही नहाऊंगा बढ़िया तरीके से और घर पे आके पूजा कर लूँगा, क्योंकि जिम में ना थक जाते हैं, फिर घर आके आलस आ जाता है। एक बार लेट जाओ ना, एक बार पैर पकड़ लो तो फिर पैर से उठने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जिम से ही नहा के आऊँगा और आते ही पूजा कर लूँगा बजरंग बली की। किस हिसाब को जाना भाई, यही लगा देता हूँ राइट में। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गई है और शार भी ले लिया है मैंने। बाकी ये जो शर्ट है, मैंने इतना सारा सामान बैग में भर दिया कि इस पे सरवटें पड़ गई हैं, ऐसा लग रहा है प्रेस भी नहीं हो रखी है। बाकी एक्सरसाइज हो रखी है, सब कुछ हो चुका है और आज मेरा फास्ट है, तो मैंने शार यहीं पे ले लिया है। अब फिलहाल घर पे जाके सिर्फ पूजा करनी है और थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि आज लेग्स डे था। फट रखी है मेरी बहुत गंदी वाली, तो फटाफट चलते हैं और पूजा वगैरह कर लेते हैं। हो गई आज की एक्सरसाइज, तो चलो। हाँ तुम आ रहे हो? हाँ सही है, सही है। चलो मैं पहुँचा लग रहा है, पहुँचा लग रहा है, बस यही है पहुँचा लगा रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग अब हो रही है, इतने आ रहे हो? इतने इतने ठीक। मैं जब भी मैं हेलमेट पहनता हूँ भाई को इतनी क्यूरियोसिटी होती है, कैमरा चल रहा है, मैं आ रहा हूँ। ओ भाई चलो चलते हैं अब। तो बाइक मेरी बारिश की वजह से बहुत ही सुंदर हो रखी है, देख के कोई बोलेगा बाइक ले ली, रखने की अकल नहीं है। धूप धूप धूप,
छोले भटूरे में भीड़, मात्र 20 रुपए प्लेट, और यहाँ पे है वेज बिरयानी। आम तो वैसे घर पे रखे हुए हैं, और बिरयानी आज अपना फास्ट है तो खाएंगे नहीं। बाकी घेवर का मौसम चल रहा है भाई जबरदस्त, ये देखो यहाँ दिख रहा है घेवर टेम्पू में। लेट्स गो घर। अरे 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 अरे, कितनी स्पीड में क्यों कट मारते हैं लोग। हमारे सामने चल रही है वरना, नया मॉडल और नई गाड़ी है, अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, 1.5 टर्बो। लेकिन यार नई वाली वरना में इतना मजा नहीं आया, किसी किसी को बहुत पसंद है और किसी को बिल्कुल नहीं आया। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि नई वरना जो निकाली है ना मजा नहीं आया। और पर्सनली देखा जाए तो वो बात नहीं है जो वरना की होती थी, बिल्कुल ही हटके कर दी चीज, और थोड़ा जो हटके कर दिया ना वो पुराने वरना का जो टेस्ट था, जिन लोगों को पुराने वरना पसंद थी उसमें फिर अब यही आ रही है, तो एकदम से लोगों को ना टाइम लगेगा थोड़ा सा। और आज भी ट्रैफिक वाले खड़े हैं, अच्छा वो भगा नहीं रहा था। बात करते हुए चलता हूँ ना जब मैं आप लोगों से, तो भगाता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर वॉइस ब्रेक होने का या मेरे को वैसा सीन रहता है फिर ढंग से आवाज़ ना आए। और लिटरली इतने बार ट्रैफिक वाले मिल चुके हैं कोई रुकता ही नहीं। वैसे मैंने ना अग्रेसिव वाली कभी ट्रैफिक वालों के सामने ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अग्रेसिव चला रहा हूँ और एकदम से ट्रैफिक वाला आ गया, तो मे भी सीन हो सकता है, क्योंकि फिर ऐसे कर पाऊँगा थ्रोटल कर देता हूँ तो आवाज़ एकदम से इतनी लाउड हो जाती है ना, मैं चलाता हूँ आराम से तो इतना ज़्यादा सीन होता नहीं है साउंड का। फिर वो नंगो छोटे छोटे बालक मजे ले रहे हैं पानी के। बचपन भी बड़ी सही चीज होती है यार, बचपन की गदर बड़े होने के बाद समझ में आती है, वो भी क्या दिन थे। खैर लाइफ का हर फेज ही बढ़िया होता है भाई, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। तो पास्ट गया, फ्यूचर आएगा, जो होगा देखा जाएगा, प्रेजेंट में रहो और मजे करो। और इसी के साथ आ गए हैं हम घर। छोटे छोटे बालक स्कूल से आते हुए और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए और पीछे अभी तक देखते हुए। सो गाइस अभी आ गए हैं हम वॉक पे, और आज हवा चल रही है भाई बढ़िया वाली, पेड़ पौधों से अंदाजा लगा सकते हो आप। सो भाई हो गया मेरा वर्कआउट और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले मैं सोच रहा था कि सिर्फ वॉकिंग कर लूँ आज, क्योंकि बिल्कुल भी चलने की भी हालत नहीं थी मेरी, बट फिर मैंने हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, रनिंग करी है प्रॉपर, जितनी मेहनत डेली करता हूँ ना मैं उतनी ही मेहनत करी है। बहुत पसीना आ गया है लेकिन अब मैं अपने पैरों पे भी खड़े होने की हालत में नहीं हूँ, बहुत तगड़े वाली एस्तेसी हो गई है, मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है भाई बिल्कुल भी। बस जैसे तैसे घर पहुँचना है मुझे और फ्रेश व्रेश होकर फिर डिनर करना है। सो गाइज मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, फ्रेश वगैरह मैं सब कुछ हो चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाला था कि मैं डिनर में खाने क्या वाला हूँ। तो भाई मेरा डिनर मेरे सामने रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है मिक्स जूस जो कि मैंने उज्ज्वल से मंगाया था और इसमें नमक नहीं है, और ये है सूखी दो रोटी। तो ये मेरा आज का डिनर, रोटी और जूस। अब होता क्या है कि जो मंगलवार का फास्ट है ना उसमें फास्ट खोल सकते हैं अन्न खा के, लेकिन वो मीठा होना चाहिए,
मीठा हो या ना हो लेकिन वो नमक नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये सीन है कि नमक नहीं होना चाहिए। और एक टाइम अन्न खा सकते हैं पूजा करने के बाद शाम को, तो भाई पूजा हो गई है। लेकिन मैं मीठा नहीं खा सकता क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। प्लस पूरे दिन क्या होता है व्रत में, आप व्रत की खीर खा सकते हो, मीठे चावल खा सकते हो, और व्रत खोलने के टाइम पे आप चीनी के पराठे खा सकते हो, आप मीठी पूरियां खा सकते हो, आप पूड़े खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं खा सकता हूँ। लेकिन व्रत की खीर में होता है दूध, तो मैं दूध नहीं खा सकता। प्लस मैं दही नहीं खा सकता क्योंकि मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं वीगन हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कट आउट हो गई। प्लस मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और डाइटिंग पे हूँ, तो भाई मीठा बिल्कुल नहीं खा सकता। तो बचा क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचे। तो रोटी निकलने के लिए मैंने जूस मंगाया उज्ज्वल से कि जूस ले आइयो, नमक मत डलवाइयो बस। तो जूस से दो सूखी रोटी, यही मेरा डिनर है। यही पूरे दिन के जो मेरे टिश्यूज़ फटे हैं, जो एक्सरसाइज में मेरी फटी है, उसको रिकवर करने के लिए दो रोटी प्लस जूस। बाकी ये भी अमृत लग रहा है। अब सुबह से कुछ नहीं खा रखा, भूख लग रही है बहुत तेज, और देख के ना पानी आ रहा है, तो फटाफट मैं डिनर खत्म करता हूँ। तो इस व्लॉग में यार बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस व्लॉग को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।